शहबाज गिल ने किसके कहने पर बयान दिया, तहकीकात जारी है। पीटीआई रहनुमा के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक कराने का अमल शुरू हो गया। आवाज मैच करने के लिए एफआईए लेबोरेटरी से राबता कर लिया गया। बनीगाना और निजी चैनल के पीटीसीएल नंबर्स की सीडीआर भी निकलवाई जाएंगी। मोबाइल बरामदगी के लिए पुलिस और शहबाज गिल के असिस्टेंट के घर पर छापा। मुलजिम इजहारुल्लाह और अहलिया समेत घर में मौजूद 6 अफराद ने पुलिस पर हमला कर दिया। कांस्टेबल का मोबाइल, एटीएम, सर्विस कार्ड, नकदी भी छीन ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने बताया कि मोबाइल में मुकदमे से मुतालिक काफी मवाद मौजूद है। लजबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम से मुतालिक एफआईए और हसास इदारों की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। मंत्री प्रोपेगेंडा से मुतालिक 754 ट्वीट्स की निशानदही। मुहिम चलाने वालों में 204 पाकिस्तानी, 17 इंडियन, 16 दीगर ममालिक के लोग शामिल हैं। 237 हैंडलर्स से तहकीकात की जाएंगी। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं तो शोकास्ट क्यों नहीं दिया गया? इमरान खान क्यों बयान की मजम्मत नहीं करते? वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने सवालात की बोछाड़ कर दी। कहा, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने इदारों के खिलाफ घटिया बात की। कानून का फंदा बहुत जल्द सरबरा तरीके इंसाफ के गले में आने वाला है। यौम आजादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। आवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर तनकीद। कहा, गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। 45 दिन बहुत अहम है। हुक्मरान इक्तदार का कंबल छोड़ रहे हैं लेकिन अब कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। मिनी बजट के जरिए 4 बड़े सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, शुगर, तंबाकू और टेक्सटाइल पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल ही ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का भी इम्कान। कराची में आज भी मानसून बारिश का है इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा। शहरियों को परेशानी का सामना। मानसून बारिशों का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। आवारान में तूफानी बारिश, नदी नालों में तोगयानी। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। और मुशावरत के साथ ही टीम का ऐलान हुआ। अब तब्दीली का वक्त नहीं, यही बेस्ट 11 थी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हसन अली डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके वापस आएंगे। मावर सिंह का करियर खत्म नहीं हुआ। भारत का कोई खौफ नहीं है।